चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलन ब्रैडली के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और इसके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और इसके सिमुलेटर को किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं। तीनों सॉफ्टवेयर हम यहां पे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करेंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, और इसको डाउनलोड करने का पूरा कम्प्लीट प्रोसेस हम यहाँ पे सीखेंगे। सो आपको चले जाना है गूगल में। जैसे आप गूगल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ab.com। जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रॉकवेल का ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। रॉकवेल की ही कंपनी है एलन ब्रैडली। सो यहाँ पे हम जाएंगे इस सॉफ्टवेयर के लिए। सो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड्स करके। सो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कंपेटिबिलिटी एंड डाउनलोड्स करके आ रहा है। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है RS लॉजिक्स माइक्रो करके। सो यहाँ पे आपके पास दो आ रहे हैं, RS लॉजिक्स माइक्रो स्टार्टर लाइट विदाउट RS लिंक्स 8.10, एंड देन इसके नीचे एक और आ रहा है RS लॉजिक्स माइक्रो स्टार्टर लाइट विदाउट RS लिंक्स EN। सो आपको यहाँ पे EN वाले को चूज कर लेना है। इसका मतलब है इंग्लिश में रहेगा ये। सो इसको हम चूज करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड करके। सो आपको इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके बहुत सारे वर्जन आ जाएंगे। सो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन इसके बाद स्क्रोल डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम 10 नंबर या फिर 11 नंबर वर्जन को डाउनलोड करेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास कुछ एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन करना रहेगा। अगर आपके पास रॉकवेल ऑटोमेशन में कोई अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, देन इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन लास्ट नेम, और इसके बाद कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको एडवांस एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कंपनी नेम डाल देना है, और इसके बाद यहाँ पे स्क्रोल डाउन करेंगे। सो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको अपना जॉब टाइटल, जॉब लेवल और इंडस्ट्री, कस्टमर टाइप और लैंग्वेज के ऊपर सिलेक्ट करना है और यहाँ से सारी डिटेल्स को फिलअप कर लेना है, और इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। सो अपना पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। देन इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और पासवर्ड सेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। सो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक लिंक आएगा। सो उस लिंक के थ्रू आपको यहाँ पे अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। आपकी मेल आईडी पे कुछ इस तरीके से एक मेल आया होगा। सो यहाँ पे आपको जाना है वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से रिफ्रेश करना है, देन इसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी को डालना है, इसके नीचे पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद कीप मी साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है। जैसे आपने स्क्रोल डाउन किया यहाँ पे आपके पास अवर ब्रांड के नीचे एलन ब्रैडली आएगा। सो इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद आपको डाउनलोड्स के ऊपर दोबारा से जाना है। इसके बाद यहाँ से इसको कट करेंगे और इसके बाद प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको वर्जन नंबर 10 या फिर 11 को चूज कर लेना है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ जाते हैं। सो इनमें से आपको तीन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, जैसे कि 500 फॉर माइक्रोलॉजिक्स, एक तो यहाँ से इसको करेंगे, और इसके बाद स्क्रोल डाउन करेंगे RS लॉजिक्स माइक्रो स्टार्टर लाइट विदाउट RS लिंक्स EN के ऊपर क्लिक करेंगे, एक इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। देन इसके बाद स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ से आपको RS लिंक्स क्लासिक लाइट फॉर माइक्रो लॉजिक्स के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ पे तीन सॉफ्टवेयर हो चुके हैं, और इसके अलावा आपको RS लॉजिक्स इम्यूलेटर 500 6.00.00 को चूज करना है।
और इसके अलावा हम ऊपर से एक और सॉफ्टवेयर को चूज करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मेन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रहेगा RS Logix माइक्रो स्टार्टर लाइट विदाउट लिंक्स EN 8.3.00। सो इसको यहाँ से चूज करेंगे और इसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे तीन प्रोडक्ट आ गए हैं। इसके बाद आपको डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। सो यहाँ से हम एक्सेप्ट एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद डायरेक्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वाले डाउनलोड को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से थर्ड वाले डाउनलोड को भी इसी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास सारी फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं, एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना बाकी है। सो इसको भी हम डाउनलोड करेंगे, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। देन इसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर को ओपन करना है। जैसे आपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया तो आपके पास यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे आपके पास सारे फोल्डर्स आ जाएंगे जो भी आपने अभी डाउनलोड किए हैं। सो इनको यहाँ पे हम डाउनलोड होने देते हैं, जो कि फोर्थ वाला कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुआ है। देन इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इनको अनजिप करना होगा। अभी यहाँ पे जिप फाइल है, सो इनको अनजिप करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुके हैं। देन इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। सो इन सभी को यहाँ से हम कट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इनको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे एक नया सा फोल्डर बना लेंगे। AB के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर को पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे जिप फाइल हैं, सो इसको आपको यहाँ से अनजिप करना रहेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा, इसी ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास विनजिप होना चाहिए। विनजिप एक सॉफ्टवेयर है, सो इसके बारे में आप गूगल में बहुत सारा कुछ जान सकते हैं। ये एक जिप्ड फाइल को अनजिप करने के काम आता है। सो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से एलन ब्रैडली के PLC सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इमुलेटर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर तीनों ही डाउनलोड कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इन तीनों सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो आप वहां से भी इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चेक कर सकते हैं।